सो हे गाइस, कैसी है यूट्यूब फैम। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे गाइस। और गाइस, आप सोच रहे होंगे आज लड़का स्प्लेंडर चला रहा है और स्प्लेंडर आरएस किधर है। तो गाइस, सीन कुछ ऐसा है, आज ये वीडियो मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि आपको अपनी जर्नी जो है वो शेयर कर सकूँ। बाय द वे, इसमें आवाज़ें बहुत आने लग गई हैं, खड़कने लग गई है बाइक काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि गाइस 4-5 साल हो चुके हैं इसको। इसकी जो सर्विस है वो टाइम टू टाइम नहीं होती, बट फिर भी जो इसकी मेंटेनेंस है वो कुछ ज़्यादा नहीं है और अभी भी चलने में बहुत ही मस्त चलती है, फुल पावर। गाइस, जैसे कि ये 100cc का इंजन या उससे भी कम है, इससे जब मैं आरएस पे शिफ्ट हुआ था तो एक अलग ही पावर मुझे फील हुई थी आरएस पे। बड़े बड़े बाइक्स होते हैं 200cc 300cc जिनके वाइड टायर होते हैं, रेडिएटर बोलते हैं जिसको, वहाँ उन टायर पे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बहुत रहता है। गाइस, हम हायर स्पीड पे भी चला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं रहती। तो छोटे सीसी वाले बाइक्स हैं जैसे कि स्प्लेंडर हो गया, CT 100 हो गया, प्लेटिना हो गया, तो गाइस इनके टायर भी इतने वाइड नहीं होते, इस वजह से जो इनकी कॉर्नरिंग है वो कहाँ ही होती है गाइस, और कॉन्फिडेंस भी कहाँ ही रहता है, क्योंकि इनके ड्रम्स ब्रेक होते हैं, इस वजह से भी इन पे बाइक्स पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता चलाने में। तो अभी आगे चल के मैं आपको बाइक की कंडीशन भी दिखाऊंगा कि क्या चीज़ें इसमें से उड़ चुकी हैं और क्या चीज़ें अभी तक जो है वो लगी हुई है। और क्लच देख सकते हो आप, ढीला हो चुका है। वैसे बाय द वे, सब चीज़ें अभी सही चल रही हैं, कोई सीन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रूजिंग जो स्पीड होती है वो गाइस 40 होती है, और आप कह सकते हो कि जो आरएस की क्रूजिंग स्पीड है वो 80 है। तो कई बंदे देखते होंगे, यार इतनी तेज़ भगा रहा है और ऐसे ऐसे चला रहा है, मरेगा, ये होगा, वो होगा। तो मैं गाइस आपको बता दूं कि वो चीज़ें बनी ही तेज़ चलने के लिए हैं, बहुत ही मस्त भागती हैं और कोई दिक्कत नहीं रहती। बंदे को इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, अगर मैं 80 पे जा रहा हूँ तो दूसरे लोगों को देखने में तो ऐसा लगेगा इतनी तेज़ जा रहा है, अब गिरेगा, अब मरेगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा कुछ सीन नहीं होता गाइस। बहुत ही बढ़िया पावर वाली ब्रेक्स होती हैं, ABS विद ABS, तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं होती, बाइक कभी भी कहीं भी स्टॉप कर सकते हो आप, और कॉन्फिडेंस इतना रहता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होती 80 पे भी। तो स्प्लेंडर का यही सीन है कि यहाँ पे पुलिस खड़ी है गाइस, तो मुझे यहाँ से टर्न लेना पड़ेगा, कोई यहाँ से नहीं जा सकते हम, यहाँ से पीछे ले लेते हैं, पकड़ लिया तो गाइस मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो ये सीन है। चलो वापस चलते हैं, ठीक है गाइस। स्प्लेंडर जो बाइक है गाइस, वो कई यंगस्टर्स के दिलों पे राज करती है और आज भी बहुत ज़्यादा सेलिंग है इसकी। तो गाइस अभी थोड़ी मैं कंडीशन दिखा देता हूँ इसकी, क्या सीन है। देखो गाइस, कुछ इस तरह से जो है 5 साल के बाद ये चेंजेस हो रखे हैं, यहाँ से तो पूरी फुल ठीक है, और नंबर प्लेट देख सकते हो आप, इस तरह से हालत हो चुकी है इसकी। यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक्चुअली गाइस, मैं कॉलेज में ना पार्किंग में खड़ा रखी थी बाइक, तो वहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ से जो डब्बा था वो उतार के ले गया था गाइस। और मज़े की बात ये है, मतलब अच्छी बात ये है कि मैंने अंदर कागज़ नहीं रखे थे, इस वजह से मेरा नुकसान कोई भी नहीं हुआ खास, खाली डब्बे का हुआ था। और मैंने एजेंसी से पूछा था कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आपको बाहर से तो नहीं मिल सकती, कबाड़िया से मिल सकते हो। तो वहाँ पर मैं कबाड़िया पर कभी गया नहीं और कभी ये लगी भी नहीं। तो अभी वाली बाइक जो है फुल फ्यूल इंजेक्टर आ रही है, पर इस पर कॉर्पोरेटर सिस्टम लगा हुआ है गाइस, तो कोई सीन नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हो आप, एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो ये चीज़ें डलवाई थी जब, तो ये डुप्लीकेट था मतलब सारा, तो इस वजह से ये जो है निकल गया था। सामने से आप देखोगे तो ये चीज़ देखो, ये पूरी हिल रही है जो इसका ही होता है, इसकी आवाज़ होती है और बाकी सब मस्त है। चलो इसमें अभी देखो सेल्फ नहीं चल रही, तो सेल्फ इसकी ख़राब हो रखी है, अभी किट मारते हैं और चलते हैं। गाइस मेरा एक्सीडेंट ऐसे हुआ था कि मैं 80 पे जा रहा था मस्त हाईवे पे, और सडनली मैं ओवरटेक कर रहा था। उस टाइम पे अगर आरएस होती ना तो मैं शायद से एक्सीडेंट नहीं होता, चलो जो भी है। तो गाइस मैं 80 पे जा रहा था और सीन ये हुआ था कि सडनली मुझे ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ गई थी, पर जब मैंने ब्रेक लगाई बाइक एकदम से स्किट हो गई थी। ओवरटेक कर रहा था एक्चुअली मैं, ओवरटेक करते करते आगे एक ट्रक आ गया था, तो मुझे वहाँ पर ब्रेक देनी थी। ब्रेक जब दी मैंने, बाइक हल्की थी और हल्की थी, इस वजह से टायर जो था इसका स्किट हो गया था, कोई ABS कुछ नहीं है इसमें, इस वजह से तो काफ़ी बुरी तरीके से मैं गिरा। हाँ, ऑल्दो मुझे चोट तो इतनी नहीं लगी, मेरे पीछे जो फ्रेंड बैठा था उसको, उसका एक्चुअली पैर फ्रैक्चर हो गया था गाइस, बहुत ही बुरा सीन हुआ था यार उस दिन। बात करूँ RS की, तो उसमें RS में डुअल चैनल डिस्क विद ABS है गाइस। तो ABS का काम ये रहता है कि जब आप सडनली ब्रेक लगाते हो तो टायर एकदम से लॉक नहीं होता,
ABS वही करता है गाइस, लॉक करता है धीरे 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 धीरे, छोड़ता है फिर लॉक करता है, बहुत तेज़ी से काम करता है। इस वजह से बाइक स्किट भी नहीं होती और ऐसा फील होता है कि पता नहीं किसी ने जाम कर दिया। टाइम आ चुका है, अब मैं इसको यहीं पे खड़ा देता हूँ और उसके बाद इसमें चलते हैं, लेट्स गो। बाइक पे आ चुका हूँ, मतलब वो भी अपनी थी और वो एक्चुअली पापा चलाते हैं आजकल, और कंडीशन इस वजह से हो रखी है उसकी क्योंकि रफ़ एंड टफ़ चलती है कतई, क्योंकि काम वाम रहता है वहाँ उस पर, इस वजह से उसी को ही लेके निकालते हैं। तो अभी निकलते हैं थोड़ा और थोड़ी बहुत बातें करके मैं चलता हूँ घर को। तो मैंने पूरे 5 साल वेट किया था, उसके बाद मुझे ये मशीन मिली है, कतई घूमता रहता हूँ इसमें और मस्त भगाता भी हूँ। तो ऐसा नहीं है गाइस, ऐसी आंखें बंद करके भगाता रहता हूँ, देख के चलाता हूँ, जहाँ पे ब्रेकिंग होती है वहाँ पे मस्त है, क्योंकि जान से प्यारा और कुछ भी नहीं है और मुझे इससे प्यारी और कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो आप। सो स्पेशल थैंक्स टू माई मोम कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कहीं हद तक मेरा साथ दिया इसको लेने में। और फाइनली देखो गाइस, आज मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं ऐसे बोलूँगा, व्लॉगिंग करूँगा। तो बाइक आने के बाद मेरे माइंड में हुआ कि यार मुझे भी करनी चाहिए व्लॉगिंग। स्प्लेंडर से यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो मुझे बहुत ही पावरफुल पावर फील हुई है इस बाइक में। और गाइस ये तो ऑब्वियस है ना यार, कहाँ 100cc से भी कम और कहाँ 199.5cc का इंजन। आवाज़ सुन के देखो कैसे पड़ते हैं पीछे, अभी एक आगे भी बैठा है कुत्ता, भाई लात मत पकड़ देना यार, मुझे डर लगता है इनसे। छोटी बच्ची हो क्या? सो होप करता हूँ गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सपोर्ट भी दिखा दो, पता है ना गाइस क्या करना है, कर देना गाइस। ठीक है, चलता हूँ मैं, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट अच्छे कॉन्टेंट के साथ, बाय।